पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के विरोध में आज भाकपा माले विधायक महबूब आलम के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन। बारसोई निमतल्ला चौक पर पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने विधायक दल के नेता महबूब आलम के नेतृत्व में प्रदर्शन कर विरोध रैली निकाली गई। और इसके बीच में किस तरह मोदी एक बेलगाम एक शहर की तरह से पूरे हिंदुस्तान को रौंद रहा है। क्योंकि हम कोरोना काल में हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में एक जगह जमा नहीं हो सकते, पटना दिल्ली में विरोध नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने देश की पूरी संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया है। इन्होंने रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, खेल बेच दिया, सड़क बेच रहा है, जमीन बेच रहा है, पूरा देश की संप्रभुता बेच रहा है। वही महिला का नेतृत्व में जूही महबूबा कर रही थी। विधायक महबूब आलम ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल एवं अन्य सामानों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हो रही है। कोविड-19 के तबाही भरे दौर में कमरतोड़ महंगाई से गरीब जनता का शोषण का काम हो रहा है। पूंजीपतियों के साथ मिलकर गरीब लोगों का शोषण करते हैं, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिला भी अब भाजपा सरकार के विरुद्ध सड़क पर उतरने जा रही है। वहीं मुख्य रूप से उपस्थित प्रदर्शनकारियों में मोहम्मद गुलजार, काजी शहबाज, मोहम्मद यासीन आजीर आदि दर्जनों लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दुनिया को ताजमहल किसने बनाया? मजदूरों ने बनाया। इस दुनिया का एक से एक शानदार मंदिर किसने बनाई? मेहनत के मजदूरों ने बनाई। एक एक आदमी जो एसी में सोते हो आराम से, तुम्हारा खाना खुराक किसने पैदा किया? यही किसानों ने पैदा किया, यही मजदूरों ने पैदा किया। आज 6 महीना से ज्यादा किसान आंदोलन हो रहा है। 500 किसान शहीद हो गए। आज तक इतना लोग यहाँ मौजूद है, किसी का एक छता गेहूँ खरीदा गया है? सरकार ने खरीदी है? किसी का धान खरीदा? किसी की मकई खरीदी गई? नहीं। फिर भी बिहार सरकार टीम झाड़ता है कि हमने 4,00,000 टन मकई खरीद लिया, गेहूं खरीद लिया। आने वाला दिन में हिसाब किताब बिहार विधानसभा में लिया जाएगा दोस्तों। इसलिए इस वक्त का भारी मांग है, महंगाई पर रोक लगाओ, कोरोना से भी लड़ो और महंगाई पर रोक लगाओ। और हम तमाम आप जनता से निवेदन करते हैं, कमजोर निवेदन करते हैं कि अभी कोरोना से लड़ने का एकमात्र कारगर हथियार है सिर्फ वैक्सीनेशन, टीका जो लेते हैं सुई। तमाम भाइयों बहनों टीका लीजिए, सुई लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैंने ले लिया 2-2 टीका, हमारे तमाम विधायकों ने लिया, आपको भी लेने की गुजारिश करते हैं। आप बोलेगा आपके साथ में आके लेंगे हम टीका, और हम आपको हौसला बढ़ाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अरे किसी को 1-2 दिन का बुखार आता है, किसी को बुखार नहीं आता है। मुझे तो बुखार आया ही नहीं। मैं जो है जिस दिन पटना में मैंने टीका लिया, लाइन में खड़ा होकर टीका लिया। आपको एक अगर मरीज को ले जाना होगा, आपको यहाँ अगर कटिहार और चारों गुमती और दहीचंद गुमती, बारसोई गुमती, मुकुड़िया गुमती, सुनेली गुमती, मामला गुमती, ये गुमती आप बंद अगर हो तो 3 घंटे में आप कटिहार पहुँच रहे हो, नहीं सकेंगे। क्यों नहीं हो रहा विकास? कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार है नीतीश कुमार की सरकार। नीतीश कुमार ने जनता का वोट लेकर के अपने आप को सांप्रदायिक फांसीबाजियों के हाथ में बेच दिया है, और फांसीबाजियों को नंगा नाच करने का झूठ नीतीश कुमार तुमने दिया है। जो नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलता है, उसको जवाब मिल गया दोस्तों। पश्चिम बंगाल में बिहार विधानसभा में हमने कहा था, मैं महबूब आलम ने कहा था कि हमने बारसोई में नारा दिया था, बारसोई को बीजेपी का सांप्रदायिक
और भाजपा फांसीवादी राजनीति का कब्रिस्तान बना दो। आरसोई को बीजेपी की सांप्रदायिक फांसीवादी राजनीति का कब्रिस्तान बना दो। और हमारी जनता ने बना दिया। और आने वाला दिन में हमने कहा था कि पश्चिम बंगाल में भाजपाइयों का कब्रिस्तान बनेगा, बन गया दोस्तों। ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में चालू करना होगा। आने वाला दिन में हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश के लिए है, और आने वाला दिन में हमारी लड़ाई पूरे देश के माहौल को शांति करने के लिए, इस देश की तरक्की करने के लिए, इस देश की गरिमा, इस देश की संप्रभुता, इस देश की इज्जत को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने के लिए एक डेमोक्रेटिक, एक लेफ्ट अलायंस का गठन हम करेंगे और पूरी जनता को हम सड़क पर लाएंगे। इस उम्मीद के साथ हम मांग करते हैं, आज पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी वाम पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल, हम लोग का भाकपा माले, फॉरवर्ड ब्लॉक, एसोसिएशन और तमाम जो वाम विचारधाराओं की पार्टी है, जिन लोग सपोर्ट करता है, जो लोग समझते हैं इस दुनिया को खूबसूरत किसने बनाया।